नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पर। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैम सिस्टोन, रुद्राक्ष और उनकी मेकिंग। अगर रिंग बन रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर रुद्राक्ष पेंडेंट, रुद्राक्ष माला कोई भी बन रही है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे बनती है, प्योरिटी का क्या इसमें कनेक्शन है और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ नीलम रत्न की, और लैब रिपोर्ट के साथ में आपको यह मिलेगा जिसमें परफेक्ट ग्रेविटी मेंशन होगी, रिफ्लेक्शन मेंशन होगा, स्पेसिफिक ग्रुप उसका मेंशन होगा, तो सारी चीज़ें मेंशन होगी। और लैब टेस्ट के बाद ये आपको दिया जाता है जेम स्टोन। रिंग आप बनवाना चाहें तो वो भी बन जाएगी, और आप इसकी क्वालिटी देखिए सबसे पहले रिंग की, फिर हम जेम स्टोन की बात करेंगे। तो इसकी जो क्वालिटी है, ये पंच धातु में बनी हुई रिंग है, इसमें पाँच धातु मिक्स है जिसमें गोल्ड भी मिक्स है, इसलिए इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा जरूर चली जाती है, लेकिन 1250 रुपये से सिर्फ रिंग की कॉस्टिंग होती है जिसमें पांच धातु इसमें मिक्स होती है। तो बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग में आपको यह है रिंग रेडी करके दे दी जाती है, और ये ढलाई में बनी हुई रिंग है। तो इसकी जो आप फिनिशिंग देख सकते हैं वो बहुत ही बेस्ट है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी जो हम कह सकते हैं मेकिंग के समय जो क्वालिटी का ध्यान रखा गया है तो वो बेस्ट और सुपर क्वालिटी है। तो आप देखिए मेकिंग बहुत ही अच्छी है, और ये बनी हुई है पंच धातु में, पांच धातु मिक्स होके ये रिंग रेडी हुई है, और इसे धारण किया जाता है मिड फिंगर में। मिड फिंगर हमारी ये उंगली होती है, इसमें इसे धारण करते हैं, और ये जो जेम्स स्टोन है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है पंच धातु के साथ में। वैसे इसे गोल्ड में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड के साथ साथ अगर आपका बजट नहीं है तो आप पंच धातु में इसे धारण कीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे गोल्ड जैसे। तो आप रिंग की मेकिंग देखिए, रिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, हाथ में अगर हम धारण करते हैं तो कितनी सुंदर लग रही है। अब आते हैं हम जेम्स स्टोन के ऊपर कि जेम्स स्टोन की क्वालिटी कैसी है। तो जेम्स स्टोन आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये नीलम है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्लेज, इसकी शाइनिंग, फिनिशिंग, कटिंग शेप और इसकी जो फिटिंग की गई है वो सब बहुत बेस्ट है। अगर लाइट इफेक्ट्स से इसे देखेंगे आप तो इसमें कुछ नेचुरल इफेक्ट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, कुदरती संरचना कहते हैं इसे, कुदरती रूप से जो इफेक्ट्स आते हैं वो आप देखिए इसे गौर से। थोड़ा सा लाइट इफेक्ट्स जैसे ही करेंगे तो आपको अंदर थोड़ा रेशे, बादल जैसी संरचना, इस तरह की संरचना नजर आएगी जो नेचुरल पत्थर जो होता है उसमें ही होती है। वैसे तो जब लैब टेस्टिंग की जाती है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लाइट में इसे देख सकते हैं, रोशनी में आप देखेंगे, सूरज की रोशनी में इसे थोड़ा देखेंगे या रोशनी में देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आँखें देख सकती है वो कैमरा नहीं देख सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको हर चीज़ इसमें, वैसे तो थोड़ा सा लाइट से आपको नज़र आ ही रहा होगा कि भाई इसके अंदर इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ नेचुरल जो इफ़ेक्ट्स होने चाहिए वो हैं। तो शाइनिंग भी देख सकते हैं आप जेम्स स्टोन की, और फिनिशिंग देख सकते हैं और क्वालिटी देख सकते हैं। तो वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये नीलम है, और डार्क ब्लू है ये, डार्क ब्लू। तो देखिए ये एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूँ सबसे पहले कि कोई भी जो जेम्स स्टोन होता है वो ब्यूटी के कारण उसकी रेट बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी ब्यूटी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा और ये बहुत खिलता हुआ कलर होगा तो इसकी ब्यूटी के कारण इसकी कॉस्टिंग लाखों में चली जाएगी, लेकिन डार्क शेड के कारण जब इसे हम पहनते हैं तो ये थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। तो इसलिए क्या है कि ये दिखने में तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको नहीं लगेगा, वैसे तो अच्छा है लेकिन फिर भी वो जो एक बिल्कुल लाइट शेड होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिखेगा, लेकिन रिजल्ट में ये उससे भी आगे है। तो ब्यूटी से कॉस्टिंग जरूर बढ़ती है लेकिन रिजल्ट नहीं। हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ पहन रहे हैं तो हमें उसमें एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजल्ट्स मिलने हैं उस चीज़ को पहले देखना है, ब्यूटी को बाद में देखना है। और ब्यूटी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जेम्स स्टोन में रेट के अंदर आप फिर आगे बढ़ते ही जाएं, उसका कोई अंत नहीं है, आप लाखों में चले जाएं, 1,00,000 रुपये रत्ती तक में भी चले जाएंगे तो भी जेम्स स्टोन अवेलेबल है, लेकिन ब्यूटी से कोई कनेक्शन नहीं है रिजल्ट का। हो सकता है ये क्यों डार्क कलर का है तो इसकी नीलम की जो नीली रश्मियाँ हैं बॉडी में ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा रिजल्ट ये दे देगा, वो लाइट शेड का इतने अच्छे रिजल्ट ना दे पाए लेकिन कॉस्टिंग में वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और नीले कलर के आप कपड़े ही पहन लेंगे तो उसकी भी कलर की एक महिमा होती है, उस कलर से हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, शनिदेव की पावर बढ़ जाती है। ये तो फिर भी जेम्स स्टोन है और वो भी नेचुरल लैब रिपोर्ट के साथ में, तो इसके रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं। तो ब्यूटी पे आप ना जाएं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ पहन रहे हैं तो आप ब्यूटी पे ना जाएं, उसमें आप एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जेम्स स्टोन बेस्ट रिजल्ट दे वो पहने। तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा, 100% बेस्ट रिजल्ट देगा, और इस पंच धातु में आप धारण करेंगे तो इसके बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये रिंग है, जेम्स स्टोन है। आप ये वीडियो लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और अगर आप
वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रिंग का प्रोसेस, जेम सिस्टम का प्रोसेस सब दिख जाएगा। जैसे अमेजोन और इससे हम परचेजिंग करते हैं, वैसे ही वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। और बहुत ही इजी कंसेप्ट है वहाँ पर परचेजिंग का, आप जा सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कौन सा जेम्स स्टोन आपके लिए परफेक्ट है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए, आप हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। आप इस फिनिशिंग में अगर रिंग मार्केट में बनवाने जाएंगे तो पहली चीज़ तो ये बनेगी ही नहीं, ये बहुत ही उम्दा कारीगर जो होते हैं वो ही बना सकते हैं इस तरह की फिनिशिंग में। तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और जेम्स स्टोन आप देखिए, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये है, आपको साफ नजर आ ही रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे उन तक भी कम कॉस्टिंग में, कम रेट में, कम बजट में जो जेम्स स्टोन है वो पहुँच सके, उनको ये जानकारी मिल सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।